नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिक्स पैक माइलस्टोन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कोरोना वायरस ने पूरे विश्व भर में अपना कहर मचा के रखा है। इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए जो आज का जो मेरा टॉपिक है, बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट कोरोना वायरस, हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कैसे इन्फेक्शन के रिस्क को हम रोक सकते हैं दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इम्प्रूव योर डाइट, आपका डाइट इम्प्रूव करना। डाइट में क्या करना है दोस्तों, आपको लो कार्ब डाइट लेनी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को शुगर अवॉइड करना है और प्रोटीन वाला फूड लेना है दोस्तों। प्रोटीन वाला फूड लेने से क्या होगा, आपकी मसल्स तो मजबूत होती ही है और साथ साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है दोस्तों। इसके साथ आपको क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल लेने हैं और फ्रूट लेने हैं, और बहुत सारे जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं वेजिटेबल में, वो आपको क्या है, बॉडी को अच्छे से वर्क करते हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में दोस्तों। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल है, ब्रोकली है, स्पेनिच है और बहुत सारे फ्रूट्स है, उनमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उनका कंज्यूम करने से क्या है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से मजबूत होता है और वर्क करता है दोस्तों। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से क्या होगा, आपका बॉडी क्या है कि इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करता है दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे हर्बल है, अगर आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब फिश ऑयल अगर आप नहीं परचेस कर सकते, वेजिटेबल है तो फ्लैक्स सीड लीजिए दोस्तों। और इंडिया में बहुत सारे हर्बल है दोस्तों, आंवला है, टर्मिक है, गार्लिक है, बेसल है, और इसके अलावा है नट्स है, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है, लेमन सीड है, वाटरमेलन सीड है। इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को अच्छे से, आपका जो इम्यून सिस्टम है अच्छे से वर्क करता है दोस्तों और इम्प्रूव होता है। और दोस्तों आपको क्या है, दही का सेवन करना है डेली। 2 चम्मच दही का सेवन करने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है और आपकी जो एब्जॉर्बेशन जो क्षमता होती है, जो आपका डाइजेशन होता है, वो अच्छे से होता है दोस्तों। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कम होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपका इम्प्रूव करना है अपनी डाइट को दोस्तों। इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है स्लीप में। दूसरा है डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप दोस्तों। आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे स्लीप लेना है। 7 से 8 घंटे स्लीप लेने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो बॉडी है वो तो डेवलप हो गई है, मसल्स है वो तो डेवलप हो गई, और साथ ही साथ दोस्तों क्या होगा, आपकी बॉडी जो माइंड है ना, वो आपकी बॉडी को अच्छे से डायरेक्शन देगा, अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप लैक ऑफ स्लीपिंग होता है तो उससे क्या होता है, जो भी आप टैबलेट लेते हो ना दोस्तों, उसका जल्दी से इफेक्ट नहीं होता है और आपको फ्लू होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों क्या करना है, 7 से 8 घंटे नींद लेनी है आपको। 7 से 8 घंटे नींद लेने से आपका क्या, विल पावर बढ़ता है। आप देखते हो, आप खुद को एनर्जेटिक फील करते हो, जैसे 7 से 8 घंटे सोने के बाद अच्छे से वर्कआउट भी करते हो और अच्छे से आप बाहर भी जाते हो। और लैक ऑफ स्लीपिंग से क्या होता है, आप में लेजीनेस रहता है। तो दोस्तों ये है दूसरा पॉइंट। आपको तीसरा जो पॉइंट है वो स्टे हाइड्रेट दोस्तों। आपको हाइड्रेट रहना है, आपको 7 से 8 गिलास पानी दिन के पीने हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो भी गंदे टॉक्सिन होते हैं बाहर फ्लश होते हैं। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वो डोंट स्किप ऑन एक्सरसाइज दोस्तों। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, अच्छी डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज का भी होना जरूरी है। अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए दोस्तों आपको मिनिमम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेमिना। अगर आपका स्टेमिना 30 से 40 मिनट का नहीं है दोस्तों, तो आप 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते दोस्तों, आप योगा करिए। देखो, बहाने मत बनाइए दोस्तों एक्सरसाइज के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाओगे तो ही एक्सरसाइज होगी, योगा के लिए आप योगा क्लास जाओगे तो ही हो पाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी एक्सरसाइज है जो घर पर ही कर सकते हो दोस्तों। मेरे पिछले आने वाले वीडियो में देखिए, मैंने जो कैसे सिक्स पैक बनाए घर पे, तो आप वो वाला वीडियो भी मेरा देख सकते हो दोस्तों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाओगे तो ही होगा दोस्तों, या योगा क्लास जाओगे तो ही आप कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारी एक्सरसाइज है जो घर पे ही कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारी ऐप है, बहुत सारी एप्लीकेशन, आप देखिए घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर एक मसल्स की एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं दोस्तों। तो आप खुद को भी बचाएंगे, आप अननेसेसरी बाहर ना निकले, और खुद को भी बचाएंगे, अपनी फैमिली वाले को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे, और इससे लॉकडाउन का पालन भी होगा। इसीलिए घर पे ही एक्सरसाइज करिए दोस्तों। अब एक्सरसाइज से क्या होगा दोस्तों, आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन होते हैं वो फ्लश होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका डाइजेशन जो क्षमता होती है बढ़ती है, और साथ साथ में आपका मसल ग्रोथ होता है दोस्तों। रेगुलर एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है मेटाबॉलिज्म, और जिससे क्या आपका इम्यूनिटी जो बढ़ती है, आपकी क्षमता बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, और जो वायरस से लड़ने में मदद करता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अगर 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, आपके पास टाइम नहीं है, रेगुलर शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, ऑफिस आते हो या बिजनेस, आपका 10 से 15 मिनट तो निकाल सकते हो दोस्तों। आप देखिए, आप पूरे दिन भर मोबाइल में कितने टाइम बैठे रहते हो,
पूरे दिन में मोबाइल में कितने टाइम बैठे रहते हो, दो दो घंटा तीन तीन घंटा बैठे रहते हो दोस्तों। सिर्फ आप 10 मिनट अपने लिए 15 मिनट अपने हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते दोस्तों। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, सिर्फ आप पुशअप भी करोगे, रनिंग भी करोगे, साइकिलिंग करोगे तो भी बहुत हो गया दोस्तों। तो इससे क्या है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा दोस्तों। इसके अलावा पाँचवा जो टॉपिक है ना वो है आपको स्ट्रेस नहीं लेना दोस्तों। आजकल की बिजी लाइफ में और ये यानी भागदौड़ जिंदगी में हर एक इंसान, एक छोटा सा बच्चा स्ट्रेस लेना चालू कर दिया दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा दोस्तों। और आप क्या करोगे ऐसा स्ट्रेस से, क्या स्मोकिंग करोगे, आपका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, आप स्मोकिंग करोगे, लंग का प्रॉब्लम होगा और साथ साथ में दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत नहीं होगा। अल्कोहल से क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत होने के बजाय डिक्रीज होगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग, अननेसेसरी ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है दोस्तों। अगर जरूरी है तो ही बाहर निकले, नहीं तो बाहर मत निकलिए। आपको अननेसेसरी ट्रैवलिंग करने से क्या होगा, आप खुद को बचा सकते हो, पॉजिटिव जो केसेस है उसमें कम कर सकते हो, खुद को भी बचाओगे, अपनी फैमिली वाले को भी बचाओगे, लॉकडाउन का पालन भी करोगे। इसीलिए दोस्तों हो सके अननेसेसरी ट्रैवल मत करिए, बाहर मत निकले, लॉकडाउन का पालन करिए और देश का साथ दीजिए दोस्तों इस कोरोना फाइट में, तभी देश बढ़ेगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।